पहले हमने आपको बताया ब्रेन फीडबैक थेरेपी के बारे में, और ब्रेन फीडबैक थेरेपी का ही सेशन हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं सैयद नजीर ने इस थेरेपी के जरिए कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल किया और कॉन्सेंट्रेट किया। हमारे सामने मॉनिटर है और डॉक्टर साहब अब गेम शुरू करें, मैं देखना चाहूंगा किस तरह से मैं इसको कंसंट्रेट कर पा रहा हूं। बिल्कुल, जैसे अभी आप जैसे बोल रहे थे तो ये गाड़ी रुकी हुई थी, अब जैसे ही आप बोलना आपने बंद किया तो गाड़ी आपका चलना शुरू हो गया। अब आप गाड़ी चल तो रही है लेकिन एक जब तक एक स्पीड नहीं होगी तब तक आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे ही पॉइंट्स मिलेंगे ये आवाज भी आपको सुनाई देगी, और वहां पर जैसे अभी 42 पॉइंट्स है। अब आप जैसे जैसे सुने अच्छे से कंसंट्रेट करिए और सोचिए कि गाड़ी मेरी बिल्कुल सीधी लाइन पे चले और तेजी से चले, या सोचेंगे तभी आपको स्कोर मिलेगा। और सोचिए थोड़ा सा लेवल अच्छा हुआ है, अब आपने सोचना शुरू किया तभी आपको स्कोर मिल रहा है और आपको आवाज भी सुनाई दे रही है कि आप स्कोर कर पा रहे हो। अभी मैंने आपका लेवल काफी इजी रखा है कि आपको थोड़ा सा भी सोच पा रहे हैं तो आप खेल पा रहे हैं। मैं लेवल को थोड़ा सा भी डिफिकल्ट कर दूंगा तो आपको और सोचना पड़ेगा। अब मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, आप फिर भी आप अच्छे से थोड़ा सा आपने कुछ और सोचा, जैसे आप हिलेंगे भी फिजिकली तो आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा इस डेमो के जरिए किस तरह जब भी मैं कंसीडर कर पा रहा था तो ये गाड़ी स्पीड जा रही थी और हमें पॉइंट्स मिल रहे थे, और जैसे ही मैं अभी बात कर रहा हूं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी गाड़ी है वो रुक गई है। इसलिए आप जितना कंसंट्रेट कर पाएंगे उस हिसाब से आपकी रफ्तार बढ़ेगी और आप पॉइंट्स गेट करेंगे, और उतना ही आप मेडिटेट कर पाएंगे। तो सिर्फ स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर नहीं है बल्कि और भी कई बीमारियां जिससे आप निजात पा सकते हैं ब्रेन फीडबैक के जरिए। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे अभी तक ये सिर्फ यूरोप में इस्तेमाल की जाती थी लेकिन भारत में इसका चलन अब जोर पकड़ रहा है। इस तरह जो भी लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं उसको ब्रेन फीडबैक के जरिए आप कारगर तरीके से कर पाएंगे। सैयद नजीर, इंडिया टीवी, दिल्ली।